नीमच में सहारा इंडिया परिवार और जीएन डेयरी में काम करने वाले कर्मचारी और एजेंट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के बैनर तले एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निवेशकों का पैसा वापस दिलाकर एजेंट और स्टाफ को न्याय दिलाने की मांग की गई। मामले में एजेंट स्टाफ का कहना है उनके द्वारा कंपनियों में लोगों से पैसा लेकर निवेश किया गया था। निवेशकों को उनका जमा पैसा नहीं मिलने से निवेशकों द्वारा झूठी केस लगाकर फंसाया जा रहा है, जबकि एजेंट्स द्वारा उनका पैसा कंपनियों में जमा किया गया है। ज्ञापन सौंपने में सहारा इंडिया, जीएन डेयरी से जुड़े कर्मचारी, एजेंट स्टाफ के साथ साथ राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के सदस्य मौजूद थे। कितने लाख का इन्वेस्टमेंट काय के लिए किया? सर, मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से हूँ और यहाँ पे दो कंपनियों को लेके आई हूँ मैं अभी फिलहाल। इसमें एक तो सहारा कंपनी का है। सहारा कंपनी 41 साल पुरानी कंपनी है, जिसका मतलब करीब करीब आज से 5 साल पहले तक कंटिन्यू मतलब लोगों को पैसा भी मिल रहा था और सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी है। सारी चीज़ें होते हुए अभी 2012 से इस पर बैन लगा, मतलब सेबी ने केस किया हुआ था कि ये पैसा हम देंगे, और सहारा कंपनी 22,000 करोड़ रुपये सेबी को दे चुकी है कि निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। बाकी सेबी से अभी तक लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। वो मतलब समय अवधि ज़्यादा होने के कारण जो निवेशक है वो अभिकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, जबकि अभिकर्ताओं की कोई गलती ही नहीं है। मान लो उन्होंने तो पैसा लोगों से लिया, कंपनी में जमा करा और लोगों को रसीद पॉलिसी दे दी। उन लोगों को जैसे आप कई लोग बोलते कि उनको कमीशन मिलता था, तो उनको जो कमीशन मिलता था उस पर TDS कटता था, मतलब गवर्नमेंट की निगाह में थी उनकी जो इनकम होती थी वो तो एक नंबर की थी ना। वो लोग गलत ही नहीं हुए, सरकारी मान्यता प्राप्त थी, ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी। तब हम यही निवेदन करने आए हैं कि जो सेबी के पास 22,000 करोड़ रुपया है वो निवेशकों को लौटा दिया जाए, ताकि ये एजेंट और स्टाफ कर्मचारियों को परेशान ना करें। एक दूसरी कंपनी है जीएन डेयरीज कंपनी है, इसको भी कंपनी मतलब जैसे मोदी जी ने 2 लाख कंपनियाँ बंद करी थी, वैसे ही जीएन कंपनी को भी बंद किया। इसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, इसके अकाउंट सारे सीज है, इसके कंपनी मालिक देवास में अरेस्ट है। बाकी वो कह रहा है कि जहाँ से अरेस्ट होकर पैसा मिलना चाहिए वो पैसा तो सरकारी खजाने में है, वो निवेशकों को मिल नहीं रहा है और निवेशकों को एजेंट मतलब जो निवेशक है एजेंटों को परेशान कर रहे हैं। अब यह है कि जैसे थाने में भी जाते हैं तो एजेंटों की सुनवाई नहीं होती, बोलते हैं कि आप लोग पैसा दो, आप लोगों ने जमा करवाया था। तो यदि ये लोग केवल बोलने से मात्र से गलत हो गए तो सरकार की जो संस्था है, जैसे मान लो कलेक्टर महोदय ने अनुमति दी जब ब्रांच खोली, तो कलेक्टर महोदय भी गलत हुए, उन्होंने क्यों अनुमति दी थी? या ऑडिटर था, वो सरकारी ऑडिटर था, तो उसको बंद करना था ना कंपनी को, ये कंपनी गलत चल रही है।